स्टूडेंट, मैं दिनेश सिंह आपका फिर से केयर स्केल एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा विंडो एसी की पीसीबी का जो वायरिंग होती है वो किस प्रकार होती है उसको समझेंगे कि उसमें किस किस तरीके से उसमें कनेक्शन किए जाते हैं। तो आइए समझते हैं पीसीबी के पास। तो आप ये देख रहे हो ये विंडो एसी है, ये रखा हुआ है और इसकी ये पीसीबी है। तो पीसीबी में जो कनेक्शन होते हैं उस पर किस तरीके से हम लगाते हैं, तो आप ये देखोगे सबसे पहले ये मेन लीड के कनेक्शन होते हैं और मेन लीड के अंदर फेस, न्यूट्रल और अर्थ का पॉइंट होता है और ये अर्थ का पॉइंट ये कहीं भी पेच लगाकर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे इसमें यहाँ पर ये पेच का सुराग बना हुआ है तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो अभी तो हमने हटा रखा है जिससे कि वायरिंग थोड़ी सी सही तरीके से दिख पाए। तो फेस जो सप्लाई जो इन होती है वो हमारे इस रिले जो मेन रिले है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये रिले के पास एक थिम्बल बना हुआ है और यहाँ पर ये इन करी जाती है। तो फेस इन यहाँ पे होता है और न्यूट्रल जो हमारा आता है वो इस वाले थिम्बल पे आता है। वैसे तो ये चारों जो थिम्बल हैं सभी ये सभी न्यूट्रल से कनेक्ट होते हैं, ये आपस में चारों कनेक्ट हैं, लेकिन कुछ कंपनियाँ इन पे मेंशन कर देती है कि आप इस पे इसी वाली वायरें लगा सकते हैं और कुछ कंपनियाँ इस पे मेंशन नहीं करती हैं। तो इसमें आप देख सकते हो इस पे मेंशन कर रखा है, इस पे पावर एन यानी कि पावर इनपुट जो है वो यहाँ पर न्यूट्रल इन करा जाएगा और जो न्यूट्रल स्विंग मोटर का होगा वो यहाँ से लिया जाएगा और जो फैन का होगा वो हमारा न्यूट्रल यहाँ से लिया जाएगा और जो हमारा उसका कंप्रेसर के लिए जो न्यूट्रल उठेगा वो यहाँ से लिया जाएगा। तो आप देखोगे कंप्रेसर के लिए न्यूट्रल यहाँ से लिया गया है, सीधा कैपेसिटर पे आ गया है और कैपेसिटर से ये जो रेड वाली वायर है ये कंप्रेसर की रनिंग वायर है तो ये रनिंग पॉइंट बन गया है और ये बचा हुआ दूसरा सिरा जो है ये कंप्रेसर की स्टार्टिंग है। तो जब इस पर रनिंग करंट जाएगा तो यहाँ से ही स्टार्टिंग बनेगी और कंप्रेसर की स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। अब बात करते हैं हम कंप्रेसर के कॉमन की। तो कंप्रेसर का कॉमन की ये येलो वायर है और ये रिले के इधर साइड में एक थिम्बल दिया गया है, वायर है कंप्रेसर की कॉमन वायर है और इस पर कंप्रेसर के लिए कॉमन करंट जाएगा। जब जैसे ही रिले हमारी 2 या 3 मिनट के बाद ऑन होती है तो कंप्रेसर के लिए सप्लाई बनती है। अब बात करेंगे हम फैन की स्पीड की। तो इसमें 3 स्पीड दी गई हैं, तो इसमें हाई, मीडियम, लो के लिए 3 रिले का उपयोग किया गया है। तो ये 3 रिले लगी हुई है यहाँ पर और यहाँ पर देखोगे तो इसमें लिखा भी है सभी रिले के पॉइंटों पे हाई, मीडियम, लो लिखा भी है। यदि आप नीचे प्रिंट में देखोगे तो सभी पे लिखा हुआ है। तो हाई के लिए हमने रेड वाली वायर का यूज किया है और मीडियम स्पीड के लिए येलो वायर का और जो लो स्पीड के लिए वाइट वायर का। तो यही तीनों वायर हमारी फैन स्पीड की हैं। तो जैसे मैं स्पीड में जो करंट जाएगा उसी स्पीड पर हमारी मोटर चलेगी। एक इसमें यहाँ पर स्विंग मोटर का पॉइंट दे रखा है तो ये स्विंग मोटर का कनेक्टर है तो इसमें हम स्विंग मोटर का लगाएंगे तो स्विंग मोटर भी ऑन हो जाएगी। तो रिमोट के अनुसार हम जो भी फंक्शन इसमें लगाएंगे, यदि स्विंग मोटर चलानी तो स्विंग मोटर हम रिमोट में दबाएंगे या कीपैड बटन से दबाएंगे तो हमारी स्विंग मोटर चल जाएगी। यदि फैन मोटर हम दबाएंगे तो हमारी जो भी फैन की स्पीड होगी, मीडियम, लो, हाई, तो इनमें से कोई सी भी स्पीड इसमें तय हो जाएगी। उसके बाद 3 मिनट के बाद जब कंप्रेसर ऑन होता है तो न्यूट्रल तो रनिंग और स्टार्टिंग के द्वारा पहले ही पहुंच जाता है और इस रिले के द्वारा फिर कॉमन में हमारा फेस चला जाता है। जैसे ही फेस पहुंचेगा कंप्रेसर के अंदर तो कंप्रेसर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो कंप्रेसर की जो ऑन ऑफ सिस्टम होता है वो सेंसर के अकॉर्डिंग होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सेंसर है ये वाले, तो इसमें जो सेंसर लगा हुआ है इसमें सिंगल सेंसर लगा हुआ है, ये तो एक सेंसर दिया है, किसी किसी कंपनी में ये 2 सेंसर भी हो सकते हैं। तो सेंसर रूम का टेम्परेचर सेंस करके फिर माइक्रो कंट्रोलर को बताते हैं और माइक्रो कंट्रोलर इस रिले को उसी प्रकार से URN की मदद से ऑन ऑफ कराती है। तो ये है विंडो एसी का कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से विंडो एसी की जो वायरिंग होती है उस तरीके से आप कर सकते हो और चीज़ों को समझ भी सकते हो। तो आज हमने जो समझा है विंडो एसी की जो पीसीबी की वायरिंग होती है पीसीबी के अंदर उसको समझा है किस तरीके से होती है। अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।